शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत, भक्त लड़े भगवान से ये कैसी गरीत। युद्ध ये प्रचंड है, प्रलय का शंखनाद है, शिव से शिवांश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। सदैव धर्म का अनुसरण किया है मैंने, कभी अपने धर्म पथ से नहीं भटका, इसलिए इस धर्म युद्ध में मेरी पराजय नहीं हो सकती। किंतु मैं रुद्रास्त्र को कैसे रोकूं? को रोकने के लिए शीघ्र कुछ करो पुत्र। भोले बाबा ने अपने समस्त रुद्र रूपों की शक्ति का संचार किया है, तो रुद्रांश होने के नाते मुझे भी अपने 11 रूपों की शक्ति का अनुसरण करना चाहिए। एकादश शक्ति संचारा, शिव रुद्रास्त्रा जब हूँ मारा, जानि सामना दुष्कर भारी, एकादश कपि रूपली धारी। दो महाशक्ति संहारक, दो घातक, दो विनाशक, हनुमत निष्ठायक रघुराई, शिव से युद्ध किए जिस लाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मृत्यु स्वीकार है मुझे, पराजय नहीं। अपनी अंतिम श्वास तक पूर्ण क्षमता से प्रयत्नरत रहूंगा। मूर्छित अवस्था में हनुमान अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में खोते जा रहे हैं। मेरे पुत्र रुद्रांश को रुद्राश कैसे परास्त कर सकता है? शीघ्र अपनी मूर्छा से उठकर रणभूमि में लौटेगा हनुमान। अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभु को निराश नहीं होने दूंगा। यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूंगा मैं। शक्ति चेतना हनुमत पाई, शून्य से भू को चले कपिराई, राम काज मन ही मन ठाना, जालाए तत्पर हनुमाना। राम बाण सम उड़े हनुमंता, पार किए अनगिन ब्रह्मांडा, देखी पार बती हर साई, प्रज्वल यज्ञ शुचि हो आई। ये गाथा महाबली हनुमत की,
रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 मां बलि हनुमान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु श्री राम के महायज्ञ में आए प्रत्येक अवरोध को मिटा कर ही रहूंगा मैं। उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव से भी युद्ध करना पड़े तो करूंगा मैं। ये भयानक ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि कैसी है? हनुमान, ये तो इतने तीव्र वेग से आ रहा है जैसे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। श्री राम सेवक हनुमान पुनः आपका प्रहार सहने के लिए प्रस्तुत है भोले बाबा। ये क्या कह दिया हनुमान? कहीं हनुमान ने ये कहकर अपने लिए महासंकट तो आमंत्रित नहीं कर लिया? ब्रह्मांड की शक्ति से भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो तुम तो सुनो, ब्रह्मांड के सभी जीवों की शक्ति का संचय है जिस अस्त्र में, उस पाशुपतास्त्र का प्रहार करूंगा तुम पर। हाँ प्रभु, यही उचित होगा। अब आपको पाशुपतास्त्र चलाना ही चाहिए। आपके अन्य अस्त्रों से सुरक्षित रहा है ये वानर, किंतु आपके पाशुपतास्त्र से इसका मरण निश्चित हो जाएगा। प्रभु, युद्ध कौशल में आप मेरे गुरु हैं भोले बाबा, मैंने सब आपसे ही सीखा। युद्ध भूमि में योद्धा को मरण भी स्वीकार होना चाहिए, किंतु समर्पण नहीं। मेरा वचन है, पाशुपतास्त्र अस्त्र का भी सामना करूंगा मैं, किंतु राम काज के लिए बढ़े मेरे पग कदापि पीछे नहीं हटेंगे। प्रतीत होता है हनुमान को पशुअस्त्र की अपार शक्ति का अनुमान नहीं है। पाशुपतास्त्र पुत्र हनुमान, कि तुमने क्या कर दिया? संसार के सबसे अधिक सर्वाधिक विनाशक अस्त्र को चुनौती दे बैठे। हनुमान सबल समर्थ है, किंतु पाशुपतास्त्र का सामना कर सकेगा अन्यथा नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। भोले बाबा का पाशुपतास्त्र तो ब्रह्मांड अस्त्र से भी प्रचंड प्रतीत हो रहा है। मेरी शक्ति महादेव के अस्त्र की शक्ति में समाहित हो रही है। प्रभु, धन्य हो गया मैं। प्रभु के पाशुपतास्त्र को हम देवता भी अपनी शक्तियां देने के लिए विवश हैं। हनुमान के विरुद्ध हमारी शक्ति का प्रयोग करेगा यह अस्त्र।
आश्चर्य, इस अस्त्र में तो मेरी शक्ति भी मिल गई। मुझे भय है कहीं हनुमान का कोई अनिष्ट ना हो जाए। अस्त्रहीन असहाय होकर हनुमान पाशुपतास्त्र का सामना कैसे करेगा? जिस प्रकार मैंने ब्रह्मास्त्र के प्रहार को सहा था, वैसे ही पाशुपतास्त्र की अपार शक्ति का भी मैं सामना करूंगा। किंतु मैं भोले बाबा को दिए वचन को कभी भंग नहीं होने दूंगा। एक पग भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। जय श्री राम। हनुमान, जब तक इस धर्म युद्ध का अंत नहीं होता, अनेकों घातक अस्त्रों के प्रहारों के साथ अन्य अनेक कष्ट सहोगे तुम, जिसके कारण तुम्हारे प्रियजन और शुभचिंतक भी व्यथित होंगे। पाशुपतास्त्र तो हनुमान के अत्यंत निकट पहुंच चुका है। घोर संकट में है हनुमान। विध्वंस से तो अनेक आसुरी और भयंकर शक्तियां उत्पन्न हो रही है। इस अस्त्र की प्रचंड ऊर्जा से और किसी को आहत नहीं होने दूंगा मैं। ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं हनुमान? पाशुपतास्त्र के प्रहार को झेलकर सुरक्षित रहना कठिन ही नहीं असंभव है। पाशुपतास्त्र जो शिव ने मारी, उत्सर्जे तू जाते भारी। सोई ऊर्जा निकले हनुमाना, डाल दिए संकट मह प्राणा। बाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। अब और सह नहीं कर सकती मैं। पुत्र इतनी पीड़ा में हूँ और माता देखती रहे, ये कैसे संभव है? यदि अंजना यहाँ होती तो पाशुपतास्त्र के समक्ष भी वैसे ही खड़ी होती, जैसे वो स्वामी के त्रिशूल को रोकने उसके आगे आ गई। वो तो यही विचार कर निश्चिंत होगी कि उसका पुत्र देव कार्य में सुरक्षित है। उस दिन उस माँ ने अपनी ममता का परिचय दिया था, तो आज इस माँ को पिता और पुत्र के अनर्थकारी युद्ध के बीच आना ही होगा। हे माता शक्ति, संसार के समस्त जीवों की शक्ति का स्रोत तो आप ही हो। कृपया प्रभु के पाशुपतास्त्र की शक्ति हर लीजिए। उसे अशक्त बनाकर इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए माता। क्योंकि हनुमान प्रतिबद्ध है, वो एक पग भी पीछे नहीं हटेगा। शक्ति,
अब आपका ही आसरा है। शक्ति विहीन कीजिए प्रभु के इस अस्त्र को, रक्षा कर लीजिए पुत्र हनुमान की। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती के शक्ति स्वरूप में आने से न जाने ये युद्ध अब क्या रूप लेने वाला है। प्रणाम माता। चेत योद्धा थे माता वो तो पुनः कुशल हो गए, किंतु पुष्कल दुर्भाग्यवश अभी भी उसके प्राण उसकी देह से विलग हैं। माता के आशीर्वाद से हनुमान की रक्षा तो हुई ही, उसके साथ उस दिव्य शक्ति के संचार से जो योद्धा आहत या अचेत हुए थे वो पुनः स्वस्थ हो गए। यदि पुष्कल में प्राण शेष होते तो वो भी पुनः जागृत हो उठता। हाँ वायुदेव, किंतु मुझे एक अन्य चिंता सता रही है। माता पार्वती के हस्तक्षेप के पश्चात कहीं ये युद्ध कोई भयंकर रूप ना ले, क्योंकि प्रभु महादेव कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपने क्या किया देवी? महादेव, ये एक माता की पीड़ा एवं एक पत्नी की विवशता का परिणाम है। ये संचित शक्ति आप एक ज्वालामुखी का रूप लेगी, जो ज्वालामुखी अपने अस्तित्व से सदैव इस संसार को दर्शाता रहेगा और सदैव स्मरण कराता रहेगा जब एक नारी के अपने एक दूसरे से युद्धरत होते हैं तो उसे कैसी असहनीय वेदना का सामना करना पड़ता है, और भविष्य में जब जब ऐसा होगा अनुचित किए बिना पुत्र अकारण संकट में आएगा, तब तब उसकी माता अपने संपूर्ण सामर्थ्य से उसकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान ने कुछ भी अनुचित नहीं किया, इसलिए मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। आपको अपना वचन एवं हनुमान को अपना सेवक धर्म निभाना ही, तो मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। मुझे भी अपनी ममता का धर्म निभाने का अधिकार है। देवी, आपकी चिंता आपकी पीड़ा समझता हूं मैं, किंतु यहां इस धर्म युद्ध में पिता और पुत्र नहीं अपितु वचन और धर्म में संघर्ष है। यह समझने की
चेष्टा कीजिए आप। मेरी सुविधा समझिए आप। विजय पति की हो या पुत्र की, पराजित तो नारी ही होती है। जिस युद्ध का परिणाम मुझे भुगतना होगा उसकी भागीदार तो मैं ही हुई, इसलिए मुझे इसमें सक्रिय भाग लेने से रोकने का एक ही उपाय है। आपको युद्ध को युद्ध अभी रोकना होगा। माँ, ये युद्ध रुक नहीं सकता देवी। जिस प्रकार अग्नि में तपकर ही स्वर्ण निखरता है, उसी प्रकार बड़ी बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने वाले ही महारथी कहलाते हैं। संसार में उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। हनुमान को मुझसे युद्ध कर जगत विजेता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, उससे वंचित मत करिए उसे। आपको हनुमान की शक्ति पर विश्वास है तो युद्ध में उसकी सहायता कर समस्त संसार में उसे दुर्बल प्रमाणित मत कीजिए। युद्ध ये प्रचंड है, प्रलय का शंखनाद है, शिव से शिवाश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। हे ईश्वर, ये युद्ध सुलझाने के बजाय और भयंकर रूप लेता जा रहा है। यदि इस प्रकार युद्ध हुआ तो सृष्टि का अस्तित्व ही मिट जाएगा। धर्म और वचन की मर्यादा को अनेक परीक्षा देनी पड़ सकती है। जो परीक्षा में सफल होगा वही वास्तविक विजेता माना जाएगा।